चलो हाँ, इसका फेस ऐसे लग रहा है असेंबल किया हुआ है। और आज के बाद मैं व्लॉगिंग ऐसे करनी शुरू करूंगा ऐसे करके। ओए यार ये क्या कर लाया ये? ट्रिमर में मेरा दाढ़ी मटक रहा है, बोल रहा भाई मत काट बहुत गलत हो जाएगा। यूट्यूब में मैंने आज तक क्लीन की भी है बियर्ड अपनी। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई मेरे साथ आज के पता क्या सीन चल रहा है, मेरा हो रखा है गला खराब और उसके लिए मैं खा रहा हूँ एक दवाई। दवाई में क्या सीन है कि भाई दवाई खाते ही मुझे इतनी ज्यादा नींद आती है कि मैं भी बाहर गया हुआ था कहीं पे, भाई साहब इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, मानोगे आप स्कूटी चलाते वक्त भी मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। और मैं बस ये सोच रहा था कि किसी तरह घर पहुंच जाऊं और घर जाके फटाफट से पहले सो जाऊं कुछ घंटे, और भाई मैंने ऐसा क्या घर आके दो घंटे सोया। अब मैं उठाऊं और आज ना रास्ते में एक सीन हुआ मेरे साथ, जब मैं घर आ रहा था वापस, मेरी स्कूटी चल रही थी 50-60 की स्पीड पे और मैंने हेलमेट पहना हुआ था, तो यार एकदम से क्या हुआ कि ऊपर मेट्रो स्टेशन था, वहां से एकदम से एक बूंद आके मेरे स्कूटी के फ्रंट पे गिरी और वो फ्रंट पे पानी की तरह इतना बड़ा छींटा बन गया, व्हाइट छींटे वहां से पड़ के मेरी टी शर्ट पे आ गए, अभी भी देख सकते हो ये निशान पड़े हुए हैं, और मेरा हेलमेट भर गया पूरा। और पानी का छींटा नहीं था भाई, वो कबूतर की बीट थी, और मैंने हेलमेट ना पहना होता ना भगवान कसम मेरी सारी दाढ़ी व्हाइट हो जाती। और शायद से ऐसा कहते हैं ना कि कबूतर अगर बीट कर दे ऊपर से तो आज तुम्हारी लाइफ में पैसा आने वाला है। पैसा आने वाला है क्या भाई? आज की वीडियो में एक चीज सोच रहा हूँ मैं करने के लिए, और मेरी बहुत ही ज्यादा गंदी फट भी रही है इसको सोचते हुए, अभी भी सोच रहा हूँ ऐसा करूँ या ना करूँ, क्योंकि यार बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए ये। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आज मैं अपने बियर्ड को क्लीन शेव करने की सोच रहा हूं, और भाई मैं एक बात पहले कन्फ्रंट कर लेता हूं कैमरा पे कि बियर्ड में मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं, और मुझे भी पसंद है बियर्ड रखना, और बियर्ड कटवा के थोड़ा सा लुक ऐसा लगता है कि छोटा सा बच्चा है, इसको स्कूल भेज दो उठा के फटाफट से। अभी जब मैंने लास्ट टाइम दाढ़ी कटवाई है तो उसने मेरी दाढ़ी ने इतनी ज्यादा गलत काट दी, और मेरे को बहुत दिन हो गए। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो मैंने पता नहीं कब जाके YouTube में मैंने आज तक क्लीन की भी है बियर्ड अपनी, आज तक मैंने YouTube पे कभी भी बिना बियर्ड के अपने आप को नहीं दिखाया भाई, ये तो और ऑकवर्ड हो जाएगा यार। तुम लोग मतलब मुझे पहली बार देखोगे बिना बियर्ड के, और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करने के बाद मेरे घर वालों का रिएक्शन क्या होगा। थोड़ी सी बेचैनी हो रही है अंदर से ना, आप समझ सकते हो यार, मतलब जिसकी बियर्ड होगी वो समझ सकता है कि बियर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है लुक के लिए। दिल पे पत्थर रख के ना काट लेनी चाहिए बियर्ड, फिर बेशक साहब को कितना भी रोना पड़े। और ऐसा बिल्कुल मत करना कि मेरे व्लॉग्स ही देखने बंद कर देना, क्योंकि सिर्फ 5-6 दिन बाद मेरी बियर्ड हल्की हल्की वापस आने लगेगी, और इतना तो आप सबर कर सकते हो। तो एक बार स्टार्ट करते हैं यार अब काटना। ट्रिमर निकालते हुए भी इतना ज्यादा डर लग रहा है भाई, आज इसको यूज करना ही पड़ेगा भाई। ये रहा गाइस मेरी जान का दुश्मन। पहले कैमरा सेट कर लेता हूँ और उसके बाद उड़ाता हूँ बियर्ड अपनी, और चल के रिएक्शन देखते हैं आज मम्मी का रिएक्शन क्या होगा, पापा का रिएक्शन क्या होगा, बहन का रिएक्शन क्या होगा, साथ ही साथ पुरू का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उसने मेरे को बिना दाढ़ी का नहीं देखा, पुरू तो मेरे को पहचान ही नहीं वाला भाई, और यशु का रिएक्शन लेंगे। सो गाइस रेडी हो आप लोग? मैं तो खुद को अभी तक समेट रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ कि ना बियर्ड को नीचे से बियर्ड काटूं और उसके बाद काटूंगा मूछे। पहले मूछे रख के देखते हैं कि मूछे अगर रखूंगा तो कैसी लगती है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना। स्टार्ट करूं? श्योर। आप सब पक्का मुझे गाली बक रहे होगी कि भाई स्टार्ट करना आगे बढ़। ओके क्लियर। हो ये साइड गाइस, और ये वाली साइड देख लो यार अभी। चलो भाई बाय बाय। ट्रिमर में मेरा दाढ़ी मटक रहा है, बोल रहा भाई मत काट बहुत गलत हो जाएगा। इसको ये नहीं पता कि अब सोचा है तो करना ही करना है। अरे यार ये लुक आ रही है मेरी, मेरे को पसंद नहीं आ रहा भाई ये मूछ। मैं सोच रहा हूँ रखे क्या 10-15 मिनट, इतनी ज्यादा गंदी लुक आ रही है गाइस, बहुत गंदी लुक आ रही है। ऐसी खुद को थप्पड़ मारने का भी मन कर रहा है अभी तो। गलत कर दिया मैंने, अपने साथ ही खेल गया मैं यार। एक बार चलते हैं नीचे और मम्मी का रिएक्शन नोट करके लाते हैं, बहन का लेके आते हैं और पापा का भी लेके आते हैं, और उसके बाद यशस्वी को भी कॉल करेंगे। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं कितना गंदा लग रहा हूँ, क्योंकि 2-3 गाली खाने के लायक हो गया हूँ आज। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। एक बार ही मेरे असली रूप से मिल लो। ये था मैं, ये मेरी दाढ़ी थी इसने, और अब ये देख लो। बाहर चल के तो मन नहीं कर रहा, लोग सही बता रहा, पड़ोसी भी देखेंगे ना तो गाली बक देंगे दूर से खड़े खड़े छज्जे से ही कि भाई इसको अंदर ले जाओ, कोई पड़ोसी से मुंह छुपा के जाना पड़ेगा। खैर इतना भी बेकार नहीं लग रहा, बट ठीक है यार। आंटी है सामने, और आंटी से बच गया भाई, एक आंटी से बच गया मैं। ये क्या कर लाया ये? ठीक लग रहा है? बताओ मम्मी इतनी फिक्र क्या हुआ नीचे? हैं लाइट्स लाओ पहले यार, मेरा चेहरा वैसे ही इतना गंदा लग रहा है। गंदा लग रहा है ना, छोटे बच्चे ने मूछें रख ली है।
भाई रणवीर सिंह के लायक नहीं हूँ मैं, अजय देवगन वाली, अजय देवगन। अबे अजय देवगन बना दिया, देखो मैं इससे मेरे को, और इसको देख लो यार क्या होगा बुरू, अब नहीं पहचाने का मेरे को, आजा बेटा आजा। हाँ हाँ पुरु ओए भाग रहा है उससे। मम्मी सही बताओ, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा यार? अजीब सा चेहरा लग रहा है देखो तो, अजीब तो लगेगा ही, 5-10 दिन तो मम्मी अजीब ही लगेगा। तो 5-10 दिन ये क्या शौक चढ़ा कि तूने बाल काट दिए? मैं अभी नाई पे गया था, नाई ने मेरी दाढ़ी कर दी इतनी ज्यादा गंदी, और नाई के चक्कर में करना पड़ा ये मुझे। ओ भाई तभी तूने ऐसे बाल रखे नहीं है, अजीब अलग सी शक्ल नजर आ रही है मुझे। हां वैसे मुझे मुझे भी साफ कर दे, छोटा बच्चा बन जाएगा और क्या, मुझे भी साफ कर दूँ। फुरू देखो इतना एक्साइटेड हो जाता है कैमरा को देख के, ये ले क्या बोल के दिखाओ चलो कुछ क्या बोलो, आशीष फेस बेकार लग रहा है। तो क्या करूँ अब, इसको भी काटूँ मुछों को जाके? मुछों को भी काट देगा तो फिर ऐसे लगेगा 10वीं क्लास का बच्चा। मम्मी कह रही 12वीं क्लास, ऐसा लग रहा है कि जवान फौजी जा रहा है लड़ने बॉर्डर पे। फौजी वाले, हाँ हाँ ठीक है मैं अब नहीं करूँगा मैं। आ जा कैमरा तेरा ये, तू भी पकड़ ले कैमरा में, देख कैसे हंस रहा है इसके दोस्त वहाँ के बैठे हुए। ये रहता है लाइम लाइट में भाई, इसको पीछे नहीं रहना ना, अगर इसको पीछे छुपा दूंगा ना देखो 2 मिनट में ये नहीं जाता पीछे, उठ उठ के आगे आएगा, ये एकदम अटेंशन सीकर है। मम्मी एक बार जरा वीडियो कॉल करवाओ यशस्वी को भाई, इसको कर रहे हैं वीडियो कॉल और पता नहीं उठाएगी नहीं उठाएगी, पकड़ो एक बार। अरे यार कहाँ हैंग होगी ये, मम्मी को देख कैमरा कितना आगे रख रहे है वाले, मम्मी को देख कैमरा इसके मुंह पे कर दो बिल्कुल, थोड़ा साइड तो कर लो मैं कैमरा। अबे आशु दिखा ना, ओ हां काका हां ओ फ्यूज उड़ गया क्या तेरा? मैं थोड़े दिन तक ऐसे घूमने वाला हूँ देख, ऐसे ऐसे नंगे वाली फीलिंग नहीं हो रही, किसी ने कपड़े उतार लिए जैसे, थोड़े दिन तक ऐसे घूमने वाला हूँ, चलो कालू कर ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके घूमना, थोड़े दिन तक मास्क लगा के घूमेगा यार। देख तेरा पहला वाला तो ज्यादा अच्छा लग रहा था, ये देख ले दाढ़ी से तो ऐसा लग रहा है कपड़े उतर गए। ओ भाई अबे लेकिन ठीक लग रहा है, इतना नहीं अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा, मूछे वूछे रख के ठीक लग रहा है। अच्छा गुरुमा गुरुमा जी को जाएगा मम्मी, सही सही बताओ ये मूछे रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, से भी काट दो हमने फाइनली बता दो। अच्छी मूछे काट के बिल्कुल प्लान हो जाएगा तो ऐसे लगेगा अंग्रेज बन गया। अब ये गली वाले मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बाहर, लोग पूछ पूछ के देखेंगे, हंसते हैं आंटी भी हंसेंगे लोग। मम्मी को पता है ये वाली बात, हंसेंगी लोग। मूछे भी काट देगा? नहीं मूछे नहीं काटूंगा, यही सोच रहा हूँ मूछे ना काटूंगा, आंटी हंसेंगी। बाहर दो बैठी हुई थी देख रही थी, अभी नीचे उतर के आऊँ तब भी, और नीचे जब उतर के जाऊंगा तो पता नहीं क्या ही हाल हो जाएगा नीचे आने में। तो इसको रख लेते हैं एक बार, एक दो फोटो शूट करा लेते हैं अच्छे अच्छे इस मूछ के साथ, फिर काट देंगे इसको। और आज के बाद मैं व्लॉगिंग ऐसे करनी शुरू करूंगा ऐसे करके। वो सही बता सही नहीं लगेगी मुझे ऐसे रखने में, है पता नहीं मुझे ना इसका फेस ऐसे लग रहा है असेंबल किया हुआ। हाँ तोड़ जोड़ के लाया ऊपर से मैं, फेविकोल से चिपका के लाया, किसी की तरह लग रहा है, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसकी तरह लग रहा है। अजय देवगन बोल तो दिया भाई, अजय देवगन डिक्लेयर कर दिया इसने मुझे, अजय देवगन बोल दिया, अजय देवगन बताओ, अजय देवगन लग रहा हूँ मैं। हाँ सीरियल में आता है एक लड़का ऐसे, अजय देवगन तो वो है ना एक्टर है बड़ा अच्छा। बड़ा अच्छा नहीं है, अजय देवगन की बात कर रही है भाई। गुरुमाश गुरुमाश जी को जय करते बताओ, कैसे जय करते हैं जल्दी से बताओ। चलो हाँ ओए मेरे बच्चा, जय करता है मेरा बाबू, आए नहीं अच्छा ये बताओ, क्लैपिंग करके दिखाओ, क्लैपिंग करो जल्दी से, क्लैपिंग क्लैप। अच्छा ये बताओ पूरा पूरा मामा की नोज का है, नोज चलो मेरी नोज बता दो, मामा की नोज बताओ, अब तो आराम से मिल जाएगी बता दो जल्दी। अच्छा चलो पापा की ना मामा की आईज बताओ, आईज क्या मेरी आईज, मामा की आईज। सो गाइस इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, और ये रिएक्शन मेरे फैमिली का भाई देख ही लिया होगा आपने। सो भाई इतने बुरे बुरे रिएक्शंस मिले हैं मुझे, और इसी की उम्मीद थी मुझे, क्योंकि मैं मुझे पता है बियर्ड के बाद नहीं इतना अच्छा लगता हूँ। और भाई अभी इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।